कैसे हो मेरे टोले दोस्तों, मैं हूँ आपका वो शेफ धीरज। एक कहावत है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आपका क्लाउड किचन बहुत अच्छा है, आपके पास ढेर सारे ऑर्डर्स आते हैं, आपके रिव्यूज़ लाजवाब होते हैं, कस्टमर आपको रिव्यूज़ में अपने कमेंट के द्वारा आपको दिल खोल खोल के आपके खाने की तारीफ़ करता है, बोलता है कि भैया हमें यहाँ से ही खाना चाहिए, हम लोग बार बार यहीं से ऑर्डर करेंगे, और आपका खाना लाजवाब होता है। साथ साथ में आपको वो 5 स्टार देता है, आपके ऐसे ही रिव्यूज़ आते हैं और आपके रेस्टोरेंट की एक रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पर यहाँ जब आप एक कस्टमर के तौर पे ऑर्डर करते हैं यहाँ से, या आप देखते हैं कि भैया इस रेस्टोरेंट की रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, इस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, और आप वहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं, तो कुछ और ही आपके पास पहुँचता है, आप उस खाने से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। तो आपके मन में यही सवाल आता है कि भैया जो ये रेटिंग और रिव्यू स्विगी जोमेटो के ऐप पे नज़र आते हैं, क्या ये सच में ही वाकई में ही ओरिजिनल होते हैं या फेक होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि जो भी ये रिव्यूज़ होते हैं, या आप रेटिंग्स बोल दीजिए, लगभग फेक तो नहीं होते हैं, पर यहाँ पर आपके रिव्यूज़ और आपके स्टार जिनके हिसाब से किसी भी एक रेस्टोरेंट की क्लाउड किचन की रेटिंग तय होती है, वो ज़रूर बिकते हैं। अगर आप एक क्लाउड किचन के ऑनर हैं, तो आपके पास भी कई ऐसे मैसेजेस आते होंगे जहाँ पर आपको बोला जाता हो कि भैया हम आपके लिए एक अच्छा रिव्यू या एक अच्छा कमेंट, या फिर आपके लिए 5 स्टार देंगे और आपको हमें 300 से 500 रुपये पे करने होंगे। जी हाँ, ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो दिल्ली में होता है। इवन मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम लोग ये काम पिछले 3 साल से भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं, बाजू वाले साइड वाले, हम लोग बोलते भैया इनकी रेटिंग्स कैसी अच्छी आ रही है, या वो बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स या क्लाउड किचन जो कि काफ़ी नामी हैं, और हमको लगता है कि भैया ये कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को मेनटेन कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आप लगभग देखेंगे तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, या ख़राब होते तो बहुत ही कम होते हैं, और उनकी रेटिंग हमेशा 4 या 4.5 के प्लस होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो नॉर्मल क्लाउड किचन चलाते हैं, छोटे रेस्टोरेंट या टेक अवे चलाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनके रिव्यूज़ अच्छे आएँ, उनके रेटिंग्स अच्छे आएँ, तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, आप भी अपने यहाँ पे ये ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने चीज़ों को 3 कैटेगरी में बांध दिया है। पहला जो क्लाउड किचन के ऑनर है, दूसरा जो कस्टमर खाना ऑर्डर करते हैं, तीसरा जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। अब जो क्लाउड किचन का ऑनर है, जो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं, उनको करना क्या होगा, उनको इस तरीके से एक इकोसिस्टम जनरेट करना होगा जो भी आपके पास से ऑर्डर कर रहा है। अगर आपके पास समय होता है, क्योंकि जब भी आप अपना ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, तो आप कस्टमर से बात कर सकते हैं और उनका उनसे पूछ सकते हैं कि भैया किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। उस समय आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि भाई कि अगर आपके पास ऑर्डर कम है, मैं हर ऑर्डर के लिए नहीं कह रहा, आप उनके फ़ोन करके बोल सकते हैं, सर अगर आपको हमारा खाना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी रेटिंग्स और रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, इवन जो भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं, उनको भी आपको बोलना है कि ये भी एक सिस्टम है कि आपको अपने रेस्टोरेंट को रेटिंग्स देनी है, अपने रेस्टोरेंट को 5 स्टार देना है, अच्छे रिव्यूज़ डालने हैं, जिससे कि आपके रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा, तो प्लीज़ सिर्फ रेटिंग पे देख के मत जाइए, आप लोगों की जबान पे ज़रूर जा सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, जो कि खाना पहले ऑर्डर कर चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इवन आप रेस्टोरेंट से पूछिए कि सर क्या हम लोग आपके यहाँ से ऑर्डर करें, आप हमें अच्छा खाना देंगे, आप उनसे बात कीजिए और उनको रेटिंग्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे तो वो आपको अच्छा खाना ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ स्विगी और जोमेटो की रेटिंग पर ना जाइए, आप अपना भी कुछ दिमाग ज़रूर लगाइए। तीसरा, यहाँ पे वो लोग हैं जो कि किसी भी क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनका भी ये फ़र्ज बनता है कि वो अच्छा खाना प्रिपेयर करें, और अपने जो भी सोसाइटी है, या जो भी हमारी हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं, जितने भी शेफ़ लोग हैं, जितने भी रेस्टोरेंट होटल्स में काम करते हैं, उनको बोलिए कि भैया जो भी अगर आप मेरे रेस्टोरेंट में काम कराओ, आप 100 लोगों को जानते हैं, उनको मैसेज पास ऑन कीजिए कि भैया मेरे रेस्टोरेंट पे आके आप लोग ऑर्डर कीजिए, आप खाना वहाँ से मंगा सकते हैं, अगर आप ऑर्डर नहीं कर सकते एटलीस्ट रिव्यू ज़रूर दे दीजिए, हमें स्टार्स दे दीजिए, जिससे कि हमारे रेस्टोरेंट की रेटिंग बढ़ जाएगी। अगर आप किसी 50 लोगों को जानते हो, 50 लोगों को तो हर कोई जानता है, अगर आप 50 लोगों को वीक में एक बार बोल देते हो, लगभग 10 लोग
लोग भी उस पर आपके आके रिव्यूज़ कर देते हैं, आप लोगों को 5 स्टार दे देते हैं, तो आपकी रेटिंग ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगी। ये एक प्रकार से इकोसिस्टम होता है और आप इसको जनरेट कर सकते हैं। मैंने आज अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करेगी आप किस तरीके से अपने रेस्टोरेंट्स की रेटिंग बढ़ा सकते हैं, और आप भी एक 5 स्टार होटल या 5 स्टार रेस्टोरेंट या किसी एक क्लाउड किचन जिसकी रेटिंग 4.5 से ज़्यादा होती है, उस तरीके से अपनी रेटिंग ला सकते हैं। रिव्यूज़ फेक हो सकते हैं, पर आपका खाना, अगर आपका खाना अच्छा है, आपके लोग अच्छे हैं और आपका सिस्टम अच्छा है, तो आपकी रेटिंग ज़रूर बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। मैं भी चाहूँगा जो भी क्लाउड किचन के ऑनर है उनके रेस्टोरेंट की रेटिंग आगे अच्छी जाए और लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खाना ऑर्डर करें। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे कर दीजिएगा या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।